श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की प्रधान अनुराधा भार्गवा सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने पहुंची। इस दौरान पत्रकारों नाल गलबात करते अनुराधा भार्गव ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की ज्योति जोत दिवस वो सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने आए हैं। इस नाल ही उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के प्रधान हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो कौम को बचाने लिए कुरबानी दी है वह कदे भी भुलण योग नहीं है। इस नाल ही उन्होंने कहा कि पूरे भारत के स्टेटा से स्कूलों में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी बारे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए है ता जो कि विद्यार्थियों गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी बारे जानू हो सकन। इस नाल ही उन्होंने कहा कि जो अमृतसर शहर को पवित्र शहर का दर्जा देने की मंग उठी है वह हजे तक मंग पूरी ना होने पर सानू दुख भी है। असीं सरकार अगे अपील करते हैं कि जल्द ही अमृतसर शहर को पवित्र शहर का दर्जा दिता जाए। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। कल दरबार साहब पहुंची जो कि गुरु नानक देव जी का सचखंड दिवस है आज, और उन्होंने 71 साल में 4 बड़ी बड़ी यात्राएं की, जिन यात्राओं में उन्होंने भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाया। श्री गुरु रामदास जी के पवित्र स्थान पर हम यहाँ आए अरदास की गुरु महाराज जी से, गुरु नानक देव जी जो कि जगत गुरु है हमारे देश के, और उन्होंने उनके दिखाए हुए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। और श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जो कि लगातार श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार करती रही है, आगे भी हमारे जो कार्यक्रम होते रहते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, क्योंकि आज देश के अंदर लोग जानते कम हैं और पहचानने के लिए उन लोगों को जो है सच्चाई सुनने के लिए भी बहुत समय लगता है, लेकिन आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार जो है, जैसा कि कमेटियां भी कर रही हैं और श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जो वचनबद्ध है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम है वो घर घर पहुँचा के रहेगी, और ब्रिगेड की जो टीम यहाँ पहुँची है, जैसे कि आगे आने वाले जो कार्यक्रम हमारे हैं श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म की तरफ से एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो निकाली जाए आनंदपुर साहब से लेकर गुरुद्वार शीशगंज तक, क्योंकि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी है वो हमारे धर्म की चादर है, और ऐसी धर्म की चादर का प्रचार प्रसार करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी 7 पीढ़ियाँ भी उनका कर्ज नहीं चुका सकती। अभी सनातन धर्म की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से हम लोग उस यात्रा का जो है आयोजन करने जा रहे हैं उनके शहीदी पर्व पर, जैसे कि बीबी जगीर कौर जी जो प्रधान है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो डिसीजंस लेंगे कि किस तरीके से वो यात्रा रखी जाए, ताकि देश के नवयुवकों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा मिले, ताकि हमारा समाज समृद्ध बने। और जैसा कि ब्रिगेड लगातार कार्य कर रही है श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन परिचय पर, तो लगातार हमारी प्रयास ये है कि हर एक राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार हो, ताकि एक बुक जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक लगे, जिसमें हम थोड़ी बहुत कामयाबी पा चुके हैं, दिल्ली सरकार से हमने अपील की थी और वो अगले सेशन में इसके लिए तैयार हैं लगाने के लिए चैप्टर को, तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक अध्याय लगे, ताकि दुनिया को पता चले कि उन्होंने जो शहादत दी है उसका हमारा भारतवर्ष ऋणी है। और यहाँ पर आके मुझे जो पता चला उसका बड़ा दुख हुआ मुझे, कि अमृतसर को अब तक पवित्र शहर का दर्जा नहीं दिया गया, जो कि मेरी भारत सरकार से भी अपील है, पंजाब सरकार से अपील है कि अमृतसर जो कि एक बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पर सभी का वास है, जहाँ पर इतना पवित्र एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर सभी आकर अपनी मनोकामनाएँ उनकी पूर्ण होती हैं, तो इसको अमृतसर का जो है पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए। और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा सरकार से एक मांग रख रहे हैं कि राष्ट्रपिता का जो सम्मान है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारे सभी धर्मों के लिए शहादत दी है, जो शहादत कोई भी नहीं दे सकता। और श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार मैं अंतिम श्वास तक करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्मों को बचाया। आज जिस सनातन धर्म में हम लोग सांस ले रहे हैं, जिस सनातन धर्म में गीता और रामायण का पाठ कर रहे हैं, वो सारा श्रेय गुरु तेग बहादुर जी को जाता है, क्योंकि देखिए वो हमारे सच्ची धर्म की चादर हैं, वही हमारे राष्ट्रपिता हैं। 1984 में जो एंटीसेक्ट राइड्स हुए थे उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि उन्हें भी किसी हिसाब से गुरु तेग बहादुर साहब का अपमान हुआ था, दिल्ली में शीशगंज साहब के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए थे, उसके अलावा जितने भी गुरुद्वारे थे वहाँ में आग लगाई गई थी, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए 1984 का जो हुआ उसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पवित्र स्थान पर सभी माथा टेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी जगह पे ये जो 1984 में कराया बहुत निंदनीय है। जिसने भी गुरुद्वारा साहब मंगू मठ और गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके लिए भी गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड अभी उसके लिए प्रयासरत है। अभी हम लोग वहाँ गए थे, हमने जो है मुख्यमंत्री जी से
टाइम लिया है वहाँ के उत्तराखंड के, हमने उनसे अपील की है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी जो कि वहाँ पर एक स्थान जो गुरु नानक देव जी आए तो हम उनसे मिलेंगे और गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु नानक देव जी वहाँ आए थे और उन्होंने मनुवाद को हटाकर उन्होंने पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए वहाँ संतों को जो था उपदेश भी दिया था, और ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है गुरुद्वारा जितने भी हमारे डिस्ट्रॉय किए गए थे, ग्वालियर का गुरुद्वारा साहब है, और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार उनको एक उपहार के तौर पर सिख समाज को दे, क्योंकि सिख समाज हमेशा जो है ऋणी रहा है, हमेशा जो है गुरु तेग बहादुर जी और गुरु नानक देव जी के सिख हैं, और उनके लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, क्योंकि जब भी लंगर लगाने की बात आए तब सिख समाज आगे आता है, शहादतों की बात हो तब सिख समाज आगे आता है, जब भी काले पानी जाने की बात हो तब सिख समाज आगे आता है, लेकिन उपहार देने की बात हो तो कहीं ना कहीं सिख समाज को गलत गलत नामों से जो है वो प्रेरित किया जाता है। मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी गुरुद्वारा साहब सिख समाज के वापस लिए गए हैं या डिस्ट्रॉय किए गए हैं उनको वापस कर दिया जाए, और 1984 का जो हुआ था तो मैं बताना चाहूँगी उसकी हर समय हमारे दिल में भी कसक रहेगी, क्योंकि उस समय एक महापुरुष जो यहाँ से गए थे, जो सचखंड में लीन हो गए थे, हम उनको शहादत को नमन करते हैं, क्योंकि देखिए वो युवाओं के लिए प्रेरणा थे, और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को मैं कहूँ तो वो ऐसे संत थे कि आज के समय में युवाओं को उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो यही थी कि दरबार साहब को जो है पवित्र स्थान जो है अमृतसर को दिया जाना चाहिए। कुछ उनके मते थे जो कि सभी लोगों के लिए वो बहुत अच्छे थे, सभी जातियों के लिए अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऐसी सरकारें जो क्रूरता का जिन्होंने अपना एक रूप दिखाया उसकी हम निंदा करते हैं।